I'm a mutton paya beef. Red meat. Red meat. I'm a big beef guy. Kroyoka vidhi. Tala arache di rekhalalo chikukoni unna. And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. कहते हैं कि वक्त वक्त आने पर सबका हिसाब लेता है और अब हिसाब देने की बारी है रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और करण जौहर की। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इन दिनों बॉलीवुड में बायकॉट का ट्रेंड जोरों पर चल रहा है। वजह है कि कुछ सितारों के ऊट पटांग बयान और उनका हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश। इस ट्रेंड का खामियाजा हाल ही में लाल सिंह चड्ढा बनाने वाले आमिर खान को भुगतना पड़ा। वजह ये थी कि उन पर देश को अपमानित करने वाला बयान देने का आरोप था। लोगों का कहना था कि जब उन्हें भारत नहीं पसंद तो फिर भारतवासी उनकी फिल्मों को कैसे पसंद कर सकते हैं। और आपको पता है कि बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह पिट गई। 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा कमाई करने की बात तो दूर की है, अपनी लागत भी नहीं निकाल सकी और वो महज 50 से 60 करोड़ के अंदर सिमट गई, यानी कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब इस ट्रेंड का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करण जौहर अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 9 सितंबर को सिनेमाघरों में ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि आलिया भट्ट, करण जौहर और रणबीर कपूर का लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और अभी से ही सोशल मीडिया पर बायकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड करने लगा है। दरअसल बायकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड करने की तीन बड़ी वजहें हैं और वो तीन बड़ी वजहें इन तीनों के बयान हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट से बायकॉट ट्रेंड पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने इतना घटिया जवाब दिया कि उसको सुनकर दर्शकों ने अपना आपा खो दिया और वो इस इंतजार में बैठ गए कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी हम उसका बायकॉट करेंगे। आपको बता दें कि आलिया भट्ट ने कहा था कि हम हर बार अपनी फिल्मों को देखने के लिए आपको नहीं बोल सकते हैं, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो आप फिल्म देखने मत जाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने बायकॉट ट्रेंड करने वालों को मूर्ख भी बताया था। इसके साथ ही अगर रणबीर कपूर की बात करें तो रणबीर कपूर का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें बीफ खाना ज्यादा पसंद है। साथ ही ब्रह्मास्त्र फिल्म का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि रणबीर कपूर मंदिर की घंटी बजा रहे हैं लेकिन बिना जूता उतारे, यानी वो हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। इसके साथ ही करण जौहर की बात करें तो करण जौहर के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिलहाल इस फिल्म से पहले जिस बात को लेकर के उनका बायकॉट हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उन्होंने कहा था कि वो हिंदी भाषा पसंद नहीं करते हैं, जबकि करण जौहर हिंदी भाषा में ही फिल्म बनाते हैं। अब ऐसे में जिस चीज को आप नहीं पसंद करते हैं उस चीज को आप बना रहे हैं और दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी इन बयानों के बाद भी आपकी फिल्म जाकर देखे, तो ये कितना जायज है ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही करण जौहर पर नेपोटिज्म का आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। जाहिर है इन बेतुके बयानों की वजह से ही ये तीनों स्टार घिरे हुए हैं और अब इनकी फिल्म का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर बायकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में सनातन टाइम्स आपसे एक सवाल पूछता है कि क्या आप ब्रह्मास्त्र का बायकॉट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप इन तीनों स्टार्स को नहीं पसंद करते हैं? नहीं पसंद करते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके विचारों के बारे में भी लोगों को पता चल सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।